Welcome to my mama's channel. तो आज हम लोग क्या बनाएंगे? ठेतरी। ये देखिए, ये मैंने उड़द दाल भिगो के पीस दिया है, एकदम बारीक सा पिसा हुआ है। और अभी हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। मैं आपको क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कौन कितना पानी डाल के पिसेगा, क्या करेगा, कौन सा चावल का आटा कितना जाएगा, ये सब अलग अलग होता है। तो ये 1 किलो का पैकेट हमने काटा है, देखते हैं इसमें कितना जाएगा, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना जाएगा। तो चलिए चावल का आटा डालते हैं। और मैंने तो अपना कारीगर रखा हुआ है, उसके साथ अभी हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, स्वाद अनुसार नमक। फिर हम डालेंगे अजवाइन। ये अजवाइन डालने से उसका स्वाद एकदम दोगुना हो जाता है। और फिर साथ में जाएगा चिली फ्लेक्स, ये आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप स्किप करना चाहें तो भी आपकी ही मर्ज़ी। तो चलिए सबको एक साथ मिलाते हैं और एकदम टाइट डो बना के तैयार करेंगे। देखिए एकदम टाइट सा डो बनाना है। तो अभी तक तो हमने करीब 400 ग्राम राइस फ्लोर डाल दिया है, हाफ किलो ना, ऑलमोस्ट हाफ किलो। लेकिन मैंने उड़द दाल लिया था 200 ग्राम से भी थोड़ा कम, तो उसमें करीब आधा किलो चावल का आटा जा चुका है। अभी इसको एकदम टाइट डो बना के तैयार करना है। पेट फटा नहीं आने गोला हाँ, तो ध्यान दे की वैसे। देखिए डो कितना टाइट है। तो अब भी हम इसके आगे की प्रोसेसिंग चालू करेंगे। हम कैसे बनाते हैं ये देखिएगा। कहते लखा गुला नीचे देखो, टिटके वैसे भी नहीं जा चुके हैं। देखिए इसको कैसे बनाना है। एक मटर से थोड़ा सा ज़्यादा डो लेना है और उसको दोनों हथेलियों के बीच रख के दबा के एकदम मिर्च के जैसे बनाना है। ऐसे हम सारे डो को बना लेंगे, उसके बाद तलना चालू करेंगे। लेकिन पहले बना तो लें। और ये जो नाश्ता है ना फ्रेंड्स, ये आप एक बार बनाएंगे तो महीने भर तक आराम से खा पाएंगे, मतलब ये स्नैक्स की तरह है। मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना। अभी चलिए इसको तलते हैं, डीप फ्राई करेंगे और फिर ये बन जाएगा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्टी टेस्टी। तो चलिए अभी हम इसको तलेंगे। और मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम गैस को लो पे कर देंगे, उसके बाद हम ये ठेठरी उसमें डालेंगे, तेल में डालेंगे। तेल सही से गरम है कि नहीं ये हम पुराने तकनीक से चेक करेंगे। जैसे देखिए मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसको अभी हम तेल में डालते हैं। हाँ तेल एकदम मस्त गरम है, देखिए ये गोला एकदम ऊपर आ गया। अब हम गैस को लो कर देते हैं। हम इतना थोड़ा थोड़ा करके तेल में डालेंगे, लेकिन ध्यान से देखें कहीं आपके हाथ में ना आए तेल। कभी
दबो। देखिए ठेठरी को तेल में डालने के बाद मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, अभी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए अभी ये क्रिस्प होना शुरू हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा हिला देंगे और फिर छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि अच्छे से गोल्ड। देखी ग्रीप तो हाथ अड़े आए बात तेल तो ना, और टिक्के परे मीडियम करमा हला 2-4 मिनट जाओ। अभी इसका कलर देखिए, तो इसको थोड़ा और गोल्डन करना है तो गैस को हम मीडियम पे कर देते हैं और फिर 5 मिनट छोड़ देंगे। अभी इसका कलर देखिए, हमें जो कलर चाहिए वो आ चुका है, शायद कैमरे में थोड़ा पता नहीं चल रहा है, तो हमें इसको और ज़्यादा डीप नहीं करना है, इसको अभी हम निकाल लेंगे। कैसा बना? मस्त, क्रिस्पी। खुश ना? ओके।